पहचान अगर किसी सेंटेंस या टेन में का है सी है ते है ता हूं अगर किसी सेंटेंस या टेन में का है सी है ते है ता हूं है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से ताल्लुक रखता है और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को जब आपने उर्दू पहचान में किसी जुमले के आखिर में जब ये आ गया तो आपने पहचान है तो इंग्लिश में उसको कैसे ट्रांसलेट करें उसके बाद हमारे पास एक और तरीका है जिसको फार्मूला कहते हैं फार्मूला फार्मूला के थ्रू आप कहते हैं फार्मूला फार्मूला प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल फार्मूला लिखते हैं सिंपल सिंपल सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस s plus es plus is plus object plus noun यहाँ पे हमारे पास s एक बार definition करो present indefinite simple में helping verb नहीं लगता है helping verb की जगह s es is और verb के साथ हम s es is का इजाफा करते हैं सबसे पहले subject helping verb present indefinite tense के पास verb के साथ s es is लगता है सबसे पहले हम क्या करते हैं s es is स्टार्ट करने से पहले एस एस और आई एस को समझाते जब किसी वर्ब के आखिर में एस एस एक्स ओ सी एच 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 आ रहे तब आप इसके साथ ई एस का इजाफा करेंगे वर्ब के आखिर में जे देखिए वाश हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वाशेस और आई एस को आप लिखते हैं जब किसी वर्ब के आखिर में वाई आए जे और वाई के पहले कंसोनेंट आ जाए कंसोनेंट जैसे कि एफ एल वाई सी आर वाई का हम यहाँ पे वाई को रिमूव करके आई एस लगाते हैं यहाँ पे वाई को रिमूव कर आई एस लगाते और एस कहाँ पे लगते एस वहां पे लगाते जब मैं ये फार्मूला मौजूद हूँ और मैं ये फार्मूला मौजूद हूँ तब आप वहां पे सिर्फ देख सकते हैं राइट राइट यहाँ पे कोई फार्मूला मौजूद है मैं ये फार्मूला मौजूद है और नवाई का फार्मूला मौजूद हम सिर्फ याद पे एक का इजाफा करते हैं अभी यहाँ तक समझ आ गया अभी हम